हेलो एंड वेलकम टू पाकवे एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ एक्सरसाइजेस। तो इसके पहले हमने एक सीरीज़ बनाई थी जिनमें हमने 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस का एक्सप्लेनेशन दिया था। तो 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस में हमने क्या देखा था कि तीन टाइप के टेंसेस होते हैं मेनली, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये जो तीन टाइप के टेंसेस होते हैं इनका चार कैटेगरीज में और डिवीजन हुआ है, जो है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन तीनों ही टाइप ऑफ टेंसेस का इन चारों में डिवीजन हुआ है। तो वो कैसे होंगे, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसे करके हमारे पास पास्ट के भी है और फ्यूचर के भी ये चार टाइप्स है। तो इसीलिए टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले एक और एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि पहले आप वो देखें उसके बाद में ये एक्सरसाइजेस करें। तो जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस ही हमें दिख रहा है कि एक नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस सेंटेंसेस। कौन कौन से होते हैं, एक तो पॉजिटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस और एक होता है क्वेश्चनिंग सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, ये एक जनरल सेंटेंस होता है जिसमें कोई भी नो का इम्पैक्ट नहीं होता है, यस का इम्पैक्ट होता है बल्कि, और या तो हम क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं। नेगेटिव टाइप के सेंटेंस में क्या होता है कि यहाँ पे नो का या नहीं का इम्पैक्ट आता है, और क्वेश्चनिंग सेंटेंस में हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आई नॉट स्लैश वर्क, जो वर्क है ये हमारा वर्ब है, डैश टुडे, तो ये बोलना चाह रहा है कि मैं आज काम नहीं करूँगा। तो ये बोलना चाह रहा है कि आज मैं काम नहीं तो ये बोलना चाह रहा है कि आज मैंने काम नहीं करा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम हैव लगाते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में बताया है कि हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आता है, उसके बाद में फिर नॉट लगता है इन केस वो एक नेगेटिव टाइप का सेंटेंस हो। तो नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए यहाँ पे हैव नॉट आएगा। उसके बाद में जो वर्क है, वर्ब हमारा, वो लगेगा हमारा पार्टिसिपल फॉर्म में, तो इसीलिए वर्क का हो जाएगा वर्कड। आई हैव नॉट वर्कड टुडे, मतलब मैंने अभी तक के काम नहीं करा है। देन सेकेंड सेंटेंस है हमारा वी और बाय, बाय हमारा वर्ब है, वी बाय डैश अ न्यू लैम्प, तो मतलब यहाँ पे हमें इस वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि हमेशा हैव आता है और बाय का पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा, बॉट, बी ओ यू जी एच टी, बॉट। तो वी हैव बॉट अ न्यू लैम्प, ये प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस होगा। अब हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस, वी नॉट प्लान डैश आर हॉलीडे येट, तो हम हैव लगाएंगे सबसे पहले तो, और उसके बाद में क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट लगाएंगे, और प्लान का क्या हो जाएगा, प्लान्ड। अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि जो प्लान है वो डबल एन ई डी आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी वी सी रूल फॉलो हो रहा है। सी वी सी रूल के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। सी वी सी रूल होता है कॉन्सनेंट वोवल कॉन्सनेंट रूल। जैसे यहाँ पे ये एक वर्ड है प्लान, अब हम इसमें लास्ट के तीन लेटर्स देखते हैं। लास्ट में तीन लेटर्स में क्या आ रहा है, सी आ रहा है कॉन्सोनेंट, एल एक कॉन्सोनेंट है, फिर ए एक वोवल है और एन वापस से कॉन्सोनेंट है। तो इसीलिए जब भी सी वी सी रूल फॉलो होता है किसी वर्ड में, तो उसका जब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनता है तब जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट रहता है वो डबल हो जाता है। यहाँ पे लास्ट का कॉन्सोनेंट क्या है, एन, तो इसीलिए जब प्लान का प्लान्ड होगा
तो उसमें डबल एन ई डी आएगा, इसीलिए प्लांट की सही स्पेलिंग होगी PLANNED, प्लांट। अब आता है फोर्थ सेंटेंस, वेयर बी यू डैश, उसके बाद में है एक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या आइडेंटिफाई कराता है कि ये एक क्वेश्चनिंग टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो अभी तक के हमने इस एक्सरसाइज में एक पॉजिटिव सेंटेंस भी देखा, एक नेगेटिव सेंटेंस भी देखा और एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस भी देखा। तो वेयर उसके बाद में हम हैव लगाएंगे और उसके साथ में हम वेयर हैव यू, क्योंकि यहाँ पे ये जो यू है ये हमारा सब्जेक्ट है वो दिया हुआ है। वेयर हैव यू बीन लगाएंगे, बी का बी हमारा वर्ब है, तो वर्ब का हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करना है, तो उसका पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा बीन, बी का बीन। अब हम आते हैं फिफ्थ सेंटेंस की ओर। तो फिफ्थ सेंटेंस में लिखा है ही राइट डैश फाइव लेटर्स। तो यहाँ पे आपको ये जो राइट है ये हमारा वर्ब है और इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करने से पहले हम क्या लगाते हैं, हैव, उसके बाद में फिर राइट का पार्टिसिपल फॉर्म होगा रिटन। तो ही हैव रिटन फाइव लेटर्स, और ही के साथ में हम हैव नहीं लगाएंगे, ही के साथ में हम हैज़ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगुलर पर्सन है। जब भी हम किसी दो लोगों की बात करते हैं या खुद की बात करते हैं तब हम हैव लगाते हैं, वरना हम हैज़ लगाते हैं। तो इसीलिए ही हैज़ रिटन फाइव लेटर्स। अब आते हैं हम सिक्स्थ सेंटेंस की ओर। शी नॉट सी डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो शी है तो शी के साथ भी हम क्या लगाएंगे, हैज़। शी हैज़, फिर इसे एक नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है हमें, तो हम नॉट लगाएंगे और सी का क्या हो जाएगा, सीन पार्टिसिपल फॉर्म। तो शी हैज़ नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आते हैं हम सेवेंथ सेंटेंस की ओर। बी यू डैश एट स्कूल। तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव, और हैव हमने देखा है फॉर्मेट में कि हैव हमेशा पहले आता है, तो हैव, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट यू, हैव यू, और बी का पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, बीन। हैव यू बीन एट स्कूल क्वेश्चन मार्क, ये एक क्वेश्चनिंग टाइप ऑफ सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट हम एट्थ सेंटेंस देखते हैं। स्कूल नॉट स्टार्ट डैश येट। तो स्कूल के साथ में हम क्या लगाएंगे, हैज, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्कूल की बात करी जा रही है, तो इसीलिए स्कूल हैज। तो नॉट, नॉट हमें क्या बता रहा है कि हमें इसे एक नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, स्कूल हैज़ नॉट, और स्टार्ट का पार्टिसिपल फॉर्म होगा स्टार्टेड। स्कूल हैज़ नॉट स्टार्टेड येट। अब आते हैं हम नाइन्थ सेंटेंस की ओर। स्पीक स्लैश ही डैश टू हिज बॉस। तो अब यहाँ पे वापस से हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस है। क्वेश्चनिंग सेंटेंस में हैज़ पहले आता है तो हैज़ हम पहले लगाएंगे, और हम हैज़ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, इसीलिए हम हैव नहीं लगाएंगे, हम हैज़ लगाएंगे। हैज़, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, हैज़ ही, और स्पीक का पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा, स्पोकन। तो अब यहाँ पे ये सेंटेंस बन गया, हैज़ ही स्पोकन टू हिज बॉस, और ये एक क्वेश्चनिंग टाइप का सेंटेंस हुआ। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नो ही डैश ही हैव नॉट डैश द टाइम येट। तो नहीं, उसे अभी तक के टाइम नहीं मिला है, ये सेंटेंस बोलना चाह रहा है, तो इसीलिए इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले हम हैज़ लगाएंगे, तो नो ही हैज़ नॉट, और फिर हैड, जो पार्टिसिपल फॉर्म होता है हैव का वो होता है हैड, तो इसीलिए नो ही हैज़ नॉट हैड द टाइम येट।
तो यहीं पे अब हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है हमारी एक्सरसाइजेस के साथ में। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पार्क एजुकेशन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।